नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्जुन अहलौत में। भाइयों, आज मैं उत्तराखंड के ब्रह्मपुर गांव में आया हूँ। ब्रह्मपुर जट है, कुलदीप भाई हैं अपने, जिनके पास आया हूँ। और इनका बहुत ही बवंडर जिसे कहते हैं 0238 खड़ा है यहाँ, आप देख सकते हैं। और इस साल आपको पता है कि 0238 का उतार चढ़ाव काफ़ी रहा बीमारी के कारण इस बीच में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बीमारी आई हो, क्योंकि इतना ज़बरदस्त जब ही हो सके, जब बीमारी ना हो, अपने मूलभूत कैरेक्टर में खड़ा आए। तो भाई से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले भाई का परिचय लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। कुलदीप भाई अपना परिचय दो। मेरा नाम कुलदीप। हाँ, गाँव ब्रह्मपुर जट। हाँ जी। और उत्तराखंड से। अच्छा जी। हाँ जी। तो कुलदीप भाई, जैसे आपको भी पता कि सब जगह 38 से लोग अब जो हट रहे, थोड़ा सा मन वो हो गया, क्योंकि इस पर 10-10, 12-12 भी लोगों ने स्प्रे कर ली और ये काफ़ी रोगग्रस्त रहा, लेकिन आपका प्लॉट ये इतना ज़बरदस्त खड़ा है, ऐसा प्लॉट मैंने अब तक देखा नहीं, ना मेरे देखने में आया। मैं भी काफ़ी जगह जा लिया, तो इसमें आपने क्या क्या स्पेशल लगाया और क्या क्या शुरू से क्या क्या करा, वो थोड़ा सा बताओ। देखो, जब इसकी हमने गन्ने की बुवाई की तो इसमें हमने सल्फर, डाई, थायोथोमोक्स और फिप्रोलीन, अच्छा जी, ये मिलाकर डाल ली थी। अच्छा जी। और उसके बाद में जब भाई 2-3 फुट का पौधा हो गया, फिर हमने इसमें कीटनाशक दवाई डाल दी। अच्छा, नीचे डाल लिया, ऊपर स्प्रे कर दी। अच्छा, स्प्रे। उसका बता सको कौन से साल्ट मारे थे? ये अमला थी। अच्छा, अमला में वही फ्लोरो प्लस साइपर। अच्छा, और अलग से कोई नहीं मारा? नहीं नहीं, और कोई नहीं। अच्छा, जैसे अब के इसमें रोग की बाढ़ आएगी, ये मान लो कि भाई हमारे उधर तो उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी, मतलब प्लॉट के प्लॉट उजड़ गए उधर काफ़ी है, तो लेकिन ये इस तरीके का थामने में क्या प्रबंधन करा आपने खेत का कि ये इतना ज़बरदस्त खड़ा? देखो, हमने जो दवाई ली, अपने विश्वास पात्र जो दुकानदार हैं गुरुकुल से, वहाँ से हमने दवाई ली। हम 5-6 साल से वहीं से ले रहे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कभी कहीं से, कभी कहीं से, सब दवा ओरिजिनल थी। अच्छा, ओरिजिनल दवाई मिल गई। हाँ, सब ओरिजिनल दवाई। अच्छा, तो जैसे अब के किसान इसे छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं कि कम बुआई कम कर रहे हैं इस बीज की काफ़ी, तो आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहोगे? नहीं, बीज अच्छा है तो एक तरह का कर्जा फाड़ बीज आए। अच्छा। हाँ, वो तो भाई बारिश ज़्यादा हुई अब उसमें रोग आई। अच्छा। लेकिन बीज अच्छा है। बीज अच्छा, बीज में कोई कमी नहीं, चलेगा अभी तो। अच्छा, चलेगा चलेगा। तो इसका ये मान लो, ये बताओ कि इसमें कितनी स्प्रे करी कुलदीप भाई आपने? इसमें हमने स्प्रे करी 3। अच्छा, 3 स्प्रे करी। और जैसे भाई सभी बता रहे हैं कि हमने, किसी ने 10 कर रखी, किसी ने 8 कर रखी, किसी ने 9 रोकने के लिए, कोई इसमें अलग से भी कोई स्पेशल लगा रखा गया जैसे अब अगर रोक जाते रहे? हमने तो इसमें जब मट्टी चढ़वाई, डॉक्टर से मट्टी चढ़वाई थी इसमें। अच्छा जी। और उसमें डाई गिरी थी और यो का नाम फटेरा डाल ली थी। अच्छा, डाई दो बार लगाई इसमें? डाई दो बार लगाई, एक बहुत हुई, एक बाद में मिट्टी चढ़ाई। अच्छा, जैसे फटेरा लगाया उससे पहले क्रोजन भी लगाई थी? नहीं, क्रोजन नहीं हमने लगाया। अच्छा, क्योंकि सेम साल्ट होता है दोनों में, क्रोजन हमने नहीं लगाया। हमने बाद में फटेरा डाल कर इसमें मिट्टी चढ़वा कर पानी दे दिया। अच्छा जी। तो कुलदीप भाई, ये कितने इंची पे वो रखा फिर आपने? 56 इंची पे। अच्छा, तो इसकी निकलने की क्या उम्मीद है, क्या निकल सके आपके? देखो, 100 तो निकलना चाहिए। अच्छा, 100 निकल जाएगा? नहीं, निकल जाएगा बड़े मजे में, इतना ज़बरदस्त है। तो किसान भाइयों, आपको जो दिखाता हूँ, गन्ना काफ़ी शानदार है वाकई, और मोटाई भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ज़बरदस्त मोटाई मेरा गन्ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि निरोगा है, स्वस्थ है बिल्कुल। ये नहीं है कि एक ही मेढे के पास खड़ा, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। मैं भाई ने बंधवा भी रखा है, क्योंकि बाहर बंधवाने की पक्की बात है, जब इतना ज़बरदस्त प्लॉट हो जाए, इतना ज़बरदस्त गन्ना हो जाए, तो वो बिना बंधे रुकता नहीं। तो आप देख सकते हैं, बहुत शानदार, ऐसे प्लॉट देखने को मैं कम ही मिले हैं। गाँव का नंबर वन गन्ना कह सकते हैं हम इसे, और मेहनती हैं कुलदीप भाई बहुत ही। आप देख सकते हैं सारा, जिसे कहना है लट बराबर गन्ने, वो है भाइयों, और सारे गन्ने ऐसे ही हैं, और अपने मूलभूत कैरेक्टर में खड़ा, जैसे कभी लॉन्च हुई थी, पूरा ऐसा है, हटो बचो वाला ईंक है, आप देख सकते हैं,
वाकई बवंडर जिसे कहते हैं, और सारा ऐसा ही है, ये नहीं कह सकते कि वो खड़ा है, सारा पूरा प्लॉट ऐसा ही खड़ा। तो भाइयों इसे ख़त्म ना करो, बक्से जी की टॉप वैरायटी है या, और ऐसी वैरायटी जीवन में एक आध बार ही बने, और बक्सी जी ने पूरा जीवन दे दिया इसे वैरायटी को बनाने में। और कुलदीप भाई का बहुत शानदार प्लॉट खड़ा है, आयो कुलदीप भाई से किसानों के लिए कुछ विचार लेते हैं, जो इनके अपने विचार हैं किसानों के लिए, क्या कहोगे कुलदीप भाई? भाई हम तो ये कहेंगे कि अच्छा बीज आए, इसे बोना छोड़ दो। अच्छा बहुत अच्छा बीज है, लिकार में भी अच्छा है, तो घबरा है ना किसान? ना, भी ना, ना, ना। अच्छा अच्छा, तो वही है कुलदीप भाई, जब नकली दवाई और ज्यादा बेहिसाब दे देंगे तो देखो नुकसान तो होगा, नुकसान होगा। एक हम यो जो घास की स्प्रे कर रही है खेतों में, यह भी एक नुकसान था। अच्छा, ये आप करते नहीं फिर? तो एक नुलाई करवा दे, ये मान लो 50% तो यही है जो हमने सर करके सब नुलाई कर रखी है, 50% बेनिफिट इससे ही मिल जा। मैं कभी घास की स्प्रे नहीं करी। अच्छा, तो जैसे और भी बीज बहुत सारे लॉन्च हुए, 13235 है, 14201 है और 23 है, 35 ये इसके बराबर जा सके हैं अभी? 35 भी अच्छा बीज है, लेकिन हमारे मिल ना मने कर दिया। कौन सा मिल पड़ता कुलदीप भाई आपका? बड़ी मिल, उत्तम मिल। अच्छा, इसने मना कर दिया बोने को? कर दिया, लेने को भी मना कर दिया, फिर फायदा का बोलते। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें रिकवरी या कुछ ना कुछ तो खामियां हैं बीज में? नहीं, बीज अच्छा है वो, किसान का कभी जा वो, लेकिन रिकवरी कम है। रिकवरी कम है। अच्छा, इसी वजह से मिल ने बंद कर दिया जी। 118 भी बीज। अच्छा जी, चलो वो तो देखेंगे भाइयों आगे। तो भाइयों ये कुलदीप भाई के अपने विचार थे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।